नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एटीएम सेशन की एक और वीडियो में, जिसमें कि हम हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम हमारा 30 जून को होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम एचपी के जीके के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और एचपी के जीके को हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों के बीच में एचपी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन लाए थे, आज मैं आपके बीच में हिमाचल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और जो हिमाचल का कुछ एक मिसेलिनियस वाला पोर्शन है उसके संबंध में कुछ एक क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन हमारे होंगे। ओके, सो जो स्टार्टिंग होगी हमारी क्वेश्चंस की, जैसे हमारा अभी का एचएस का कुछ पैटर्न में चेंज आया है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। सबसे पहला तरीका जिसमें कि उन्होंने एक बार ही स्टार्टिंग में ये इंस्ट्रक्शन दी गई होती है और 5-6 क्वेश्चन को इकट्ठा फिर आगे दिया होता है, इसमें ए ऑप्शन सही तब होगा अगर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बी ऑप्शन तब होगा अगर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन इफ़ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन इफ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसके बाद से मैं सिर्फ 2 स्टेटमेंट आप लोगों के बीच में रखूँगा, उसके बाद आपने इस अकॉर्डिंग अपने जवाब को आंसर को फिर वहाँ पे लगाना है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित पद्म देव वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेकंड स्टेटमेंट, जनरल हिम्मत सिंह अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ फर्स्ट एलजी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952। तो दोस्तों पहले वाली स्टेटमेंट देखते हैं, क्या पंडित पद्म देव हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे? बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। जो पंडित पद्म देव है, हालांकि वो फ्रीडम फाइटर थे, आपके बुशेर रियासत से संबंध रखते थे और इनको कविराज भी कहा जाता था, मगर जो हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर है वो वाईएस परमार जी थे, जो कि पहली बार जब हिमाचल पहली बार पार्ट सी स्टेट बना 1951 में, और उसके बाद जब पहले इलेक्शन हुए तो पहली पॉपुलर गवर्नमेंट बनी जिसके मुखिया आपके चीफ मिनिस्टर हमारे यशवंत सिंह परमार बने। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हमारा पार्ट सी स्टेट बना था तो उस समय पे जनरल हिम्मत सिंह जी ही बने थे पहले गवर्नर, हिमाचल प्रदेश के पहले एलजी। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली इनकरेक्ट दूसरी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, सेकंड, राजा आनंद चंद फाउंडेड दी स्वतंत्रता पार्टी टू स्पीड अप दी मर्जर ऑफ बिलासपुर विद इंडियन यूनियन। जो राजा आनंद चंद कहलूर यानी बिलासपुर के आखिरी राजा थे, उन्होंने एक फाउंडेशन करी थी स्वतंत्रता पार्टी की, क्या इस पार्टी का उद्देश्य बिलासपुर का मर्जर कराना था इंडियन यूनियन के साथ? तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने सारा ये कि सही बात है कि इन्होंने ये स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना करी थी, मगर इन्होंने पार्टी की स्थापना इसलिए करी थी कि या तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, अगर इफ़ नॉट इंडिपेंडेंट ये अपने आप को पाकिस्तान के साथ मर्ज कर देंगे। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, के एल मेहता वाज दी फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो के एल मेहता जी थे ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के, जब हिमाचल प्रदेश हमारा जो फुल फ्लेज्ड स्टेट बना था। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एन सी मेहता है, दो नाम है जो सिमिलर नाम है, एन सी मेहता और के एल मेहता। एन सी मेहता बने थे हिमाचल प्रदेश के पहले फर्स्ट चीफ कमिश्नर, जब 1948 में हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था तो उस समय इसके मुखिया होते थे आपके एन सी मेहता, जो कि पहले चीफ कमिश्नर थे। तो इस हिसाब से आप आंसर लगा देना पिछले वाले उसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन थर्ड, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1966 वाज एक्सटेंडेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल इन 1967।
सेकंड, एचपी हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1981। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब हिमाचल प्रदेश फुल फ्लेज्ड स्टेट बना 1971 में, तब इसको अपना हाई कोर्ट भी दिया गया। तो हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में हुई, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। इससे पहले जब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, तो हिमाचल प्रदेश की जो ज्यूरिसडिक्शन थी, जो कानून अधिकार क्षेत्र था, हिमाचल प्रदेश आता था दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 1966 से लेकर जो 19 बाद में हिमाचल में जो हिमाचल इस समय पे इस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर रहा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिज लीला सेठ वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो लीला सेठ जी थी वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस बने थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और ये 1991 में हिमाचल हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने। दोस्तों ये इतिहास में पहली बार था कि जब पूरे भारत की हिस्ट्री में कोई महिला किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी, तो ये हिमाचल के भी थे और इंडिया के भी पहले थे। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट। सेकंड, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी वाज एस्टेब्लिश इन 2015 इज सिचुएटेड इन कर्जन हाउस। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाला गया है, दो चीज़ें समझनी है। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना करी गई थी 2005 में, और कहाँ पे करी गई थी, कर्जन हाउस में करी गई थी। बट 2015 में इसको कर्जन हाउस से शिफ्ट करके लाया गया आपका जो खंडल है, हमारा जो घंडल है शिमला के पास में है, बालूगंज के पास में, 11 मील के पास में, वहाँ पे इसको आज के टाइम पे स्थापित किया गया है। तो बात इतनी सी थी कि हाँ 2005 में जुडिशियल एचपी जुडिशियल एकेडमी स्थापित करी गई थी कर्जन हाउस में, बट 2015 में उसको वहाँ से शिफ्ट करके जो घंडल है वहाँ पे इसको अब शिफ्ट कर दिया गया है। सो आप अकॉर्डिंगली देख लेना, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। फिफ्थ, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, बाबा काशीराम वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ पहाड़ा दा बुलबुला भाई महात्मा गांधी। आप सब जानते हैं बाबा काशीराम जी के बारे में, इनको दो ऊपरी ऊपर वो दी गई थी, टाइटल्स दिए गए थे। एक था पहला पहाड़ा दा बुलबुल, तो ये किसने दिया था, और दूसरा था जो पहाड़ी गांधी का टाइटल था। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड आपका ऊपर नीचे करा गया है, तो आप इसको ध्यान से समझो। तो सबसे पहले जो पहाड़ा दा बुलबुल टाइटल है ये महात्मा गांधी नहीं, सरोजनी नायडू ने दिया था, और इन्होंने दौलतपुर चौक में 1929 में, दौलतपुर चौक है वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था 1927 में, उस समय पे ये वाला टाइटल दिया था। ठीक है जी, रही बात आपकी जो पहाड़ी गांधी का टाइटल है, हाँ पहाड़ी गांधी का टाइटल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, इतनी बात सही है। ठीक है जी, इन्होंने दिया था, और इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो इन्होंने दिया था गदड़ी वाला, वहाँ पे 1930 स्टेटस में ये वाला स्टेटस दिया था। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। ठीक है जी, पहाड़ी गांधी का स्टेटस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गदड़ीवाला में 1937 में, जो पहाड़ी बुलबुल का स्टेटस सरोजनी नायडू के द्वारा 1927 में, और कहाँ पे, दौलतपुर चौक कॉन्फ्रेंस में। ओके, मूविंग ऑन। डूरंड कप इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, डूरंड कप जो कि एक फुटबॉल कप है, इसको शुरू किया गया था 1888 में एम डूरंड के द्वारा, इन्होंने ये शुरुआत इसकी करी थी, शिमला के एनाडेल ग्राउंड में इसकी शुरुआत करी गई थी, और फिर
ये दुनिया का या हिमाचल सॉरी इंडिया का ओल्डेस्ट जो आपका फुटबॉल टूर्नामेंट है कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान डिसरप्शन हुई और शिमला में इसको उस समय पे नहीं मनाया गया। ये लगभग हर बार ये शिमला में ही होता था, बट फिर इसके बाद इसको 1941 के आसपास इसको शिफ्ट किया गया और आज के समय में अब ये दिल्ली में, उस समय पे दिल्ली में मनाया गया, आज के समय में वो अलग अलग लोकेशन में होता है, जैसे कोलकाता में अब काफ़ी ऑफन होता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रचलन है फुटबॉल का। ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ओके, क्वेश्चन 7, जुब्बड़ हाटी एयरपोर्ट इज द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश। कालका शिमला रेल लाइन वाज इनोग्रेटेड इन 1903 बाई वाइस रॉय करजन। तो दोस्तों, अगर हम पहले बात करें जुब्बड़ हाटी एयरपोर्ट की, हिमाचल में अभी के समय में चार प्रमुख एयरपोर्ट है। पहला आपका गग्गल कांगड़ा में, दूसरा भुंतर कुल्लू में, तीसरा जुब्बड़ हाटी शिमला में, और चौथा जो कि अभी ग्राउंड पर नहीं है मगर बनने वाला है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और वो कौन सा है आपका, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है नागचला एयरपोर्ट मंडी में, बल वैली में। ठीक है जी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो भुंतर आपका जो कि कुल्लू में है, ये 1936 में बनाया गया था। ठीक है, और जो सेकंड उसके बाद हमारा आता है वो आता है हमारा जुब्बड़ एयरपोर्ट जो कि शिमला में है, 1987 में बनाया गया, और तीसरा जो हमारा गग्गल कांगड़ा में है, 1989 में बनाया गया, और नागचला वाला मंडी वाला भी ग्राउंड पर नहीं उतरा है। सोशल इम्पैक्ट सर्वे हो रहा है, अब कब रियलिटी बनता है वो देखने वाली बात है। सेकंड रही बात शिमला रेल लाइन की, तो इसको पहली बार शुरू किया गया था 1903 में, और उस समय जो भारत देश के वाइसरॉय थे, वाइसरॉय करजन, उन्होंने इसका फिर इनोग्रेशन किया था। इसके अगर कुछ और फैक्ट की बात करें तो बडोल टनल सबसे लंबी टनल है, और ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसको 2008 में ऐड किया गया था। हिमाचल में दो यूनेस्को की साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहली है हमारी कालका शिमला रेलवे लाइन जिसको 2008 में ऐड किया गया था, दूसरी हमारी 2014 में ऐड हुई और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हमारी दूसरी साइट है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से हमारा ओके। नेक्स्ट 8, रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही बात है, यह है हमारा हिमालयाज। क्यों कांगड़ा में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यह है हमारी धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज है, और इधर है आपका शिवालिक रेंज, इन दोनों के बीच में है आपका कांगड़ा वैली। अब जब रेन वियरिंग मॉइस्चर्स बिंड जाती है यहाँ से शिवालिक सुख होते हुए, तो आगे धौलाधार एकदम से स्टीप रेंज आ जाती है जिसकी वजह से ये इसको क्रॉस नहीं कर पाती, और सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो इस साइड को, सदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार है वहाँ पे ये शेड कर देता है, जिस वजह से पूरा का पूरा कांगड़ा जो कि धौलाधार के फुट हिल्स पे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों हिमाचल में रेनफॉल की, तो दोस्तों हिमाचल में जो रेनफॉल है इससे संबंधित कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी यूनिट में इधर उधर हो जाता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, अब आपको देखना है कि mm में पूछा गया है या फिर आपका इसमें पूछा गया है। हिमाचल में एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हिमाचल में एवरेज रेनफॉल होती है, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल हिमाचल में धर्मशाला में जहाँ पे 340 सेंटीमीटर होती है, और सबसे लोएस्ट आपके स्पीति में होती है जो कि कितनी होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअल। ठीक है जी, और ये एनुअल रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम हिमाचल को रेनफॉल के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है आउटर हिमालयन, सेकंड है आपका इनर हिमालयन, और तीसरा है हमारा अल्पाइन हिमालयन।
ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे इनकी अलग अलग बारिश की बात करें तो सबसे पहले आउटर हिमालयन में 1500 से लेकर के 175 mm इतनी बारिश होती है हमारे आउटर हिमालयन में, और इनर हिमालयन में होती है आपकी 75 से लेकर के 100 mm, ठीक है। और एल्पाइन में 300 से लेकर 600 mm होती है, अगर आप देख लो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, यानी इसको 30 से 40 सेंटीमीटर। तो और यही पूछा गया है हमारे सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है कि रेनफॉल इन अल्पाइन रीजन ऑफ हिमाचल वेरीज बिटवीन 300 to 600 mm, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, विंटर सीजन इन हिमाचल प्रदेश एक्सटेंड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, मंडी इज़ दी हॉटेस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल। दोनों स्टेटमेंट गलत है। आप सभी जानते हैं नॉर्मली 5 तरह के सीजन हैं हमारे। अगर हम विंटर की बात करें, जैसे 5 तरह के कौन कौन से, जैसे हमारा दोस्तों विंटर हो गया, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग सीजन आ गया, स्प्रिंग के बाद फिर समर हो गया, और समर के बाद फिर आपका मॉनसून हो गया, और मॉनसून के बाद हमारा ऑटोमन हो गया, ठीक है। उसके बाद विंटर आ गया। तो जो विंटर है वो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है अक्टूबर से मार्च तक नहीं होता विंटर। विंटर लगभग आप ये समझिए कि दिसंबर से लेकर के मार्च बिगनिंग तक रखो मैक्सिमम, है ना, इसके आसपास होता है विंटर। और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बिगनिंग तक रखो आप, ये आपका ऑटोमन होता है, या फिर नवंबर एंड तक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। मंडी हॉटेस्ट प्लेस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप भी देखो कि जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है हिमाचल का आमतौर पर ऊना है, पर ये जो डाटा है ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल दिस ईयर, इस साल नेरी हमीरपुर में सबसे हॉटेस्ट प्लेस रिकॉर्ड किया गया है, मगर ज़्यादातर ये ऊना की कोई प्लेस और ज़्यादा हॉटेस्ट हो जाती है। तो अगर उस तरह से ऑप्शन होता तो थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाली बात थी, मंडी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, पिन वैली नेशनल पार्क गॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 2014। तो ये जो नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं, 5 में से एक ये है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क। तो इसको कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस नहीं मिला है। मैंने अभी बताया कि सिर्फ 2 को मिला है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और दूसरा आपका शिमला कालका जो रेलवे लाइन है उसको मिला है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड, परागपुर ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ गिवन हेरिटेज विलेज स्टेटस। तो दोस्तों जो परागपुर एक गाँव है उसको स्टेटस मिला है इंडिया का पहला हेरिटेज विलेज का स्टेटस, ठीक है, 1991 में ये स्टेटस मिला है। बट यहाँ पे ये देखो आप, परागपुर कांगड़ा में गांव है ना कि हमीरपुर में, जिस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्क ऑफ शांता कुमार जी। शांता कुमार जी हिमाचल के पहले फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, जो कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय चीफ मिनिस्टर बने थे, क्योंकि 1975 से लेकर के 77 तक देश में इमरजेंसी थी। जैसे ही इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए, कांग्रेस को भारी विरोध देखना पड़ा और कांग्रेस सेंटर और हिमाचल पे दोनों जगह हार गई। और ये पहली बार हुआ जब हिमाचल में कोई नॉन कांग्रेस सीएम बना, तो शांता कुमार जी बने। ये काफ़ी किताबें भी लिखते हैं, जैसे इनकी किताबों में से मन की मीत, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, मृग तृष्णा इनकी बुक है, बट जो सोहनी माहिवाल है ये एक पेंटिंग है। और किसकी पेंटिंग है? सरदार शोभा सिंह जी। सरदार शोभा सिंह एक पेंटर थे जिनका कि आज के टाइम पे म्यूजियम है, संग्रहालय है अंद्रेटा कांगड़ा में, ठीक है। उनकी कुछ एक और फेमस जैसे कांगड़ा ब्राइट, कांगड़ा दुल्हन, उनकी एक और एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। और इनका जो ये म्यूजियम है अंद्रेटा में, इसको इनकी जो वाइफ थी नोरा रिचर्ड, उन्होंने ये बनाया था। तो करेक्ट देख लो, 4 को छोड़कर सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट,
मैच द फॉलोइंग प्लेस फेमस फॉर, कुछ एक जगह है बताया गया किस चीज़ के लिए फेमस है। रोथनी कैसल किस चीज़ के लिए? तो रोथनी कैसल दोस्तों जो एओ ह्यूम है उनका रेजिडेंस था, जिन्होंने ऐसा माना जाता है कि एओ ह्यूम हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया है वो रोथनी कैसल में बैठकर इनके मन में आया था। पीटर ऑफ दोस्तों, पीटर ऑफ ये पहले पंजाब प्रांत की, क्योंकि शिमला ब्रिटिश की समर कैपिटल थी तो पंजाब एक प्रोविंस थी, यहाँ पे जो हाई कोर्ट था पंजाब हाई कोर्ट वो पहले फंक्शन करता था पीटर ऑफ में। तो इसलिए जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी उस टाइम पे जो ट्रायल था वो कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ पंजाब हाई कोर्ट में, यानी पीटर ऑफ में। बारनस कोर्ट दोस्तों, बारनस जो आज का गवर्नर हाउस है उसको कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो आपका शिमला एग्रीमेंट 1972, जब 1971 में बांग्लादेश और बांग्लादेश को लिबरेट कराया था हमने पाकिस्तान के साथ वॉर करके, तो उसके बाद जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे पाकिस्तान के हमारे पास 90,000 के आसपास, उसके रिगार्डिंग एक समझौता हुआ जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। यह समझौता वारनस कोर्ट में हुआ था। नेक्स्ट इज गोटन कैसल। तो दोस्तों आज के समय में ये है हाउस ऑफ ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर और फेस्टिवल आर द इंटरनेशनल फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश? इन पांच में इंटरनेशनल फेयर कौन से है? तो दोस्तों सारे के सारे हैं। अगर हम इंटरनेशनल फेयर की बात करें तो हिमाचल में 7 इंटरनेशनल फेयर है। पहला लव इंटरनेशनल फेयर जो कि आपके रामपुर बुशहर में होता है, कि सबसे ओल्डेस्ट फेयर है हिमाचल का, कहरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कुल्लू दशहरा जो कि आपके कुल्लू के ढालपुर मैदान में होता है, जगत सिंह ने ये शुरू किया था जब भगवान रघुनाथ की मूर्ति ला करके वहाँ पे उनको राजपाट दिया था। तीसरा मंडी शिवरात्रि जो कि मंडी में मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है अजवर सेन ने शुरू किया था जब मंडी में भूतनाथ का मंदिर स्थापित किया गया था उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या है? माधो राय की जलेब। माधो राय यानी भगवान कृष्ण जी चीफ डीएटी है वहाँ के, तो उनकी जलेब निकलती है यहाँ पे। रेणुका जी फेयर सिरमौर में होता है, रेणुका जी झील पे होता है, ऐसा माना जाता है कि रेणुका जी माता उनका निवास स्थान रेणुका जी है और इनके जो पति है भगवान जामलुदेव या फिर आपका जमदग्नि जी उनका निवास स्थान है मलाना में, और इन दोनों का जो पुत्र है इन दोनों के भगवान परशुराम उनका निवास स्थान है निरमंड में। तो दिवाली के 10 दिन बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम निरमंड से आते हैं रेणुका जी अपने माता रेणुका माता से मिलने, और इस संगम के इस मिलने के उपलक्ष्य पर लोग सेलिब्रेट करते हैं रेणुका जी फेयर। मिंजर मेला जो कि चंबा में मनाया जाता है, साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था और मिंजर यानी मेज चंबा के चौगान में होता है। ठीक है जी, इसको छोड़ के जो दो और है वो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, एक आपका जो समर इंटरनेशनल फेस्टिवल है जो कि आपके शिमला में होता है, दूसरा है आपका विंटर फेस्टिवल जो कि आपके मनाली में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टुवर्ड्स दिस जर्नी टू बिकेम फुल फ्लेज्ड स्टेट व्हाट इज द करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश? कि जब हिमाचल प्रदेश फुल फ्लेज्ड स्टेट बना तो इसमें से कौन सा सही है? तो हिमाचल प्रदेश आप सब जानते हैं सबसे पहले 1948 को बना चीफ कमिश्नर प्रोविंस, उसके बाद 1951 को बना पारसी स्टेट, फिर उसके बाद 1956 को बना यूनियन टेरिटरी और 1997 को बना फुल फ्लेज्ड स्टेट। और जब ये फुल फ्लेज्ड स्टेट बना तो ये 18th स्टेट था हिमाचल प्रदेश, इंडिया का ये 18वां नंबर का राज्य था। तो अब देखो चीफ कमिश्नर प्रोविंस 1948 में बनी, बिल्कुल सही है। यूनियन टेरिटरी 1956 में बनी, बिल्कुल सही है। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हिमाचल को कब मिला? तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर 1967 को नहीं, जब हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना उस समय परमार जी पहली बार बने थे चीफ मिनिस्टर, और ये 18वां स्टेट बना जब 1971 में स्थापित हुआ। तो अब आप देख लो 3 को छुकड़ कर 1, 2, 4 इसके आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेक्स रेशो की बात करी गई है। सेक्स रेशो होती क्या है? कि नंबर ऑफ मेल
नंबर ऑफ फीमेल आफ्टर आफ्टर 100,000 मेल, यानी 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल है। ठीक है, तो स्टेट का डाटा कंपेयर किया गया नेशनल के साथ कि स्टेट सेक्स रेशो इन दी स्टेट इज 972, बिल्कुल सही है, मेल्स पर 1000, विच इज हायर देन दी नेशनल एवरेज ऑफ 943। बात सही है कि हिमाचल का हायर है सेंटर से, बट सेंटर का 943 नहीं है, सेंटर का भी 943 है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। इस वजह से स्टेटमेंट सही हो जाती है, अगर अदरवाइज ही सही थी, गलत हो जाती, नहीं तो ये सही थी। सर्विस इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश विच विद ओवर 90% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन इट फॉर लाइवलीहुड। कह रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर है वो हिमाचल के लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, लगभग लगभग 90% से ऊपर के लोग इसके ऊपर आश्रित है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है और मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जिस वजह से स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो नेक्स्ट, विच इज द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेंट एंड्रयू चर्च इन चंबा कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर। सेकेंड इज चसक भटूरी इज द हाइएस्ट विलेज इन लाहौल स्पीति। पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, जो सेंट एंड्रयू चर्च है, इसको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये स्कॉटिश आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी है और ये बलून नियर डलहौजी वहाँ पे बनी गई है, इसको जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं उन्होंने बनाया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, चसक भटूरी इज़ दी हाईएस्ट विलेज है, बट लाहौल स्पीति का नहीं, ये है आपका चंबा का हाईएस्ट विलेज और ये सिचुएटेड है चंबा के पांगी वैली में, पांगी घाटी में ये सिचुएटेड है। ओके, सो अब आंसर अकॉर्डिंगली होगा यहाँ पे। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अवॉर्ड ऑफ गॉडेस माथी इज चितकुल। जो माता माथी है उनका स्थान, उनका निवास कहाँ पे है? चितकुल में है। ठीक है जी, तो बात करता है क्या स्टेटमेंट सही है। अगर ये आपका किन्नौर है तो यहाँ पे सतलुज जा रही है, सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है आपकी बासपा, ठीक है, इसी बासपा वैली पे है आपका चितकुल गांव। तो ऐसा कहा जाता है जो माता माथी है ये भगवान बद्रीनाथ जी के वाइफ माने जाते हैं, ये जा रहे थे आपके वृंदावन से लेकर आपके तिब्बत ये जा रहे थे, बट जब यहाँ से बुशेर रियासत से ये क्रॉस हो रहे थे तो फिर ये चितकुल नामक जगह पे बस गए और वहीं पे ये बस गए, तब से लेकर यहाँ पे इन माता का मंदिर बनाया गया है और बड़ा ही सुंदर वुडन स्ट्रक्चर मंदिर बनाया गया है। लिविंग ज्योग्राफिकल म्यूजियम इज लिंगटी वैली। दोस्तों लिंगटी वैली इतनी सुंदर वैली है कि उसको लिविंग ज्योग्राफिकल म्यूजियम कहा जाता है। तो अगर आपका ये लाहौल स्पीति है तो ये जा रही है आपकी स्पीति वैली। स्पीति की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है, अगर आप अपार्ट फ्रॉम पिन वैली यहाँ से इस साइड देखें तो ये आपकी लिंगटी है, काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी लंबी है, लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है, तो इसको बोला जाता है लिविंग म्यूजियम। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 18, फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल मैच प्लेड एट धर्मशाला इंटर HPCA स्टेडियम इज बिटवीन विच टू टीम। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो मैच हुआ था धर्मशाला में HPCA का जो स्टेडियम है वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल हैज गिवन GI टैग। इनमें से किसको GI टैग मिला है? तो दोस्तों सिरमौरी लोहिया सरकार ने अप्लाई किया है, अभी मिला नहीं है। चंबा व्रोंजाट जो कि चंबा की ढडियार कमेटी, जो ढडियार कम्युनिटी जो प्रैक्टिस करती है उसको भी अभी नहीं मिला है। किन्नौरी टोपी को नहीं मिला है, किन्नौरी शॉल को मिला है, ठीक है, चंबा रुमाल को बिल्कुल मिला है। ठीक है, तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। अगर हम GI टैग की बात करें तो इसको दिया जाता है अंडर एक्ट ऑफ GI एक्ट 1999 और GI का हेड क्वार्टर आपके चेन्नई में है और जो देती कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स।
वाणिज्य जो मंत्रालय है वो इसको कन्फर करती है। और जब दिया जाता है तो वैलिडिटी कितनी होती है, कितने साल के लिए, क्या ये लाइफ टाइम है? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों सिर्फ 10 साल के लिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट दी गई है आपके जीसी वार्नस के द्वारा, वही जिनके नाम पे आज राजभवन का नाम रखा गया है। इन्होंने कहा था कि नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट्स सच अ सबलाइन एंड डिलाइटफुल कंट्रास्ट। तो ये इन्होंने किसकी सुंदरता को देखते हुए, किस घाटी को ये कहा था? तो जो दोस्तों कांगड़ा घाटी है, जो कि ऑल अलोंग शाहपुर से शुरू होती है और यहाँ पे बैजनाथ पालमपुर तक स्ट्रेच करती है ऑन दी फुट हिल्स ऑफ धौलाधार, इसकी सुंदरता को देखते हुए इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, चंबा कुल्लू किन्नौर आर कंसिडर्ड एज मोस्ट ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड थ्रेट्स, ऊना बिलासपुर सिरमौर शिमला एंड सोलन आर कंसिडर्ड एज लो वल्नरेबल टू डिजास्टर थ्रेट्स। तो एक वल्नरेबिलिटी जो मैप है उसको बताया गया है, डिजास्टर मैप को कहा गया है कि जो वो चंबा कुल्लू और किन्नौर है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बड़ा एकदम से सडन है और बड़ा स्टीप है, इसलिए ये काफ़ी लैंडस्लाइड आपका प्रोन एरिया है रिलेटिवली टू दीज डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, कुल्लू रिमेन पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट टिल 31 अक्टूबर 1966, कुल्लू वाज अ सब डिविजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सिंस 1846। तो दोस्तों दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, देखते हैं कैसे। तो जब अंग्रेज और सिख का क्लैश हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1945 से लेकर 1946 तक, इससे पहले जो कुल्लू है वो सिख के अधीन था, मगर जैसे ही अंग्रेजों और सिख का क्लैश हुआ तो कुल्लू और कांगड़ा वाला एरिया है लाहौल स्पीति ही आ गया फिर ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है, तो जब ये ब्रिटिशर्स के अंडर आया तो इन सभी को इकट्ठा बनाकर एक कांगड़ा जिला बनाया गया। तो कांगड़ा जिला में क्या क्या था आपका? लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा इटसेल्फ, ये दोनों सब तहसीलें बनाई गई थी। और बाद में फिर इनको हालांकि तहसील बनाया गया और फिर 1966 में तो विशाल हिमाचल जब बना, इन दोनों को फिर हिमाचल में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, 23rd, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, अलेक्जेंडर कनिंघम एंड एटी वैनन वर द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू इन 1820। तो दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 1820 में जो हारकोर्ट थे वो पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने वहाँ पे विजिट किया, फिर आगे जा करके रोहतांग भी, ना कि इन लोगों ने। सेकंड, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स इन हाइड्रो पावर सेक्टर अप टू 2 मेगावाट हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम हिमाचल ओनली। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट है अप टू 2 मेगावाट, इनको एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया है ओनली फॉर दी हिमाचली इन्वेस्टर्स। और जो आपके 2 से 5 मेगावाट तक के है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है, वहाँ पे भी हिमाचलियों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऑथर दिए गए हैं और बुक्स दी गई है। पहला है हरमन गोएटज, तो हरमन गोएटज ने इनमें से अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा ये लिखी थी, डब्ल्यू जी आर्चर ने इनमें से कांगड़ा पेंटिंग लिखी थी, एम सी रांधवा ने इसमें से कांगड़ा वैली पेंटिंग लिखी थी। तो देख लेना बड़ा प्रेसाइज है कि कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा वैली पेंटिंग है। जोसेफ चार्ल्स फ्रेंच ने इसमें से हिमालयन आर्ट लिखी थी। तो इस हिसाब से आप आंसर देख लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर एचपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर है आपका सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग को अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के अंडर डाला गया है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर your exam.